हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे मैं बात करूँगा आपका मशीन टेस्ट के बारे में। ऑल इंडिया जितना भी मेट्रो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपका ये 6th सेक्शन है ना। मतलब आपका दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा। एक होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें 5 सेक्शन होता है, और उसके बाद उसी दिन शाम में या नेक्स्ट डेट को शेड्यूल करके वो आपका मशीन टेस्ट लेगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मशीन टेस्ट होता क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ मशीन टेस्ट, फाइनल एग्जाम में मशीन टेस्ट आपका कैसा होगा, और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मशीन टेस्ट के रिगार्डिंग समझना है, और एग्जाम में वो गलती नहीं करना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब करना कोई इशू नहीं है। जितने भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड आपके मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर पोस्ट है ना, जिसको SCTO बोलते हो, और ये मेट्रो एग्जाम का पोस्ट होता है। और पूरे इंडिया में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो हुआ, गुजरात मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, महा मेट्रो, NCRTC, कोलकाता मेट्रो, इसके अलावा जितना भी मेट्रो एग्जाम है, सभी का सेम सिलेबस होता है, और सभी एग्जाम में मशीन टेस्ट आपका होता है। क्लियर? जितना बोलूंगा एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान में रखना। ये आपका RDSO, जो आप लोग बार बार देखते होंगे कि RDSO पैटर्न पे आपका साइको टेस्ट एग्जाम होगा। और आपको पता है, अनलिमिटेड एजुकेशन सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, जो मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट का एग्जैक्ट RDSO पैटर्न पे टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। जैसा टेस्ट सीरीज आपको मैंने दिया हुआ है, सेम आपके एग्जाम में आएगा, इस बात का याद रखना। इसीलिए प्रैक्टिस आपको हमेशा अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट से करना है, अनलिमिटेड एजुकेशन .in, ये जो आपका वेबसाइट है, इसी से आपको करना है। जो भी लोग क्लास प्लस वाले ऐप से कर रहे हो, तो आप लोग ओल्ड वीडियो, 3 साल 4 साल पुराना वीडियो देख करके, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर लेते हो। आप सभी को 9903723053 है ना, 9903723053 पे व्हाट्सएप करना है, और इस वेबसाइट का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। आप सभी को इसी वेबसाइट से करना है, ऐप से नहीं करना है, ठीक है? पहले आपका RDSO का जो पैटर्न है वो मैं समझा देता हूँ। ये आपका RDSO का ऑफिशियल जो वो लोग दिया हुआ है FAQ, उसमें आपका ये सिलेबस एंड पैटर्न में ये चीज़ लिखा हुआ है, रिएक्शन टाइम टेस्ट विल बी टेकन सेपरेटली, है ना। ये मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट ए जिसमें आपका 5 सेक्शन का एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका इसको पार्ट बी कह सकते हो, ये आपका मशीन टेस्ट है, जो आपका अलग होगा, साथ साथ नहीं होगा। जैसे 10 से 12 मान करके चलो, आपका पार्ट ए 5 सेक्शन का एग्जाम खत्म होगा, तो शाम में आपका मशीन टेस्ट होगा। कभी कभी ये लोग परेशान करने के लिए नेक्स्ट डेट शेड्यूल कर देते हैं कि कल आइए, और इन लोगों के पास सिस्टम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इशू है, तो 1 2 3 सिस्टम होता है, और उसी में आपको बारी बारी से करवाएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बेसिकली होता क्या है कि रिएक्शन टाइम टेस्ट में आपका रिएक्शन टाइम देखा जाता है। मतलब कोई चीज़ आप देखते हो और कितना जल्दी आप एक्ट करते हो, ये चीज़ आपका वो नोट डाउन होता है ना। जैसे कि रेड सिग्नल आपने देखा है ना, तो आप कितना जल्दी एक्शन लेते हो, आपका माइंड कितना फास्ट है, यही चीज आपका यहाँ पे चेक होता है। तो इन विच योर रिएक्शन टाइम विल बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर। क्लियर? योर टास्क विल बी टू रिस्पॉन्ड टू सम कलर्ड लाइट एज क्विकली एंड एक्यूरेटली। इस लाइन को अच्छे से समझो, एज क्विकली, इसमें आपका आ गया रिएक्शन टाइम। मतलब आप जितना जल्दी कर सकते हो, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, और एक्यूरेटली। इसमें क्या है, सिंगल रॉन्ग होगा आप बाहर, एक रॉन्ग हुआ और आप डिसक्वालिफाई। क्लियर? मतलब आपको क्या करना है, 100% एक्यूरेसी,
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको नोटबुक में राइट कर लेना कि कुछ भी हो मुझे रॉन्ग तो नहीं करना है। कितना भी फास्ट करोगे रॉन्ग हुआ बाहर, टाइम लग जाए मंजूर है, लेकिन रॉन्ग तो किसी कीमत पे नहीं करना है। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस आपको करना है बार बार, फास्ट भी होना चाहिए और रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे आप देखो बेसिकली यही होता है, आपका एल बटन जो होता है, ये एल बटन, ये आपको होल्ड एंड प्रेस करके रखना होता है। और मेनली रेलवे में आपका तीन कलर होता है, रेड, ग्रीन और येलो। तो रेड जो है ये आर, ग्रीन जो है ये जी, और येलो जो है वो वाई। तो ये तीन बटन से आपका काम करेगा। क्लियर? आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और वाई फॉर येलो, और एल बटन से आपका फिगर चेंज होगा। एल बटन को आपको होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। अब देखो ये आर, जी, वाई, ये थ्री कलर जो है ना, ये आपका LMRC का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी इससे पहले, उसमें आया था। ठीक है, ये आर, जी, वाई, लेकिन पूरे इंडिया में अलग अलग मेट्रो एग्ज़ाम होता रहता है, तो कुछ और एग्ज़ाम में वो लोग क्या किए थे, चार कलर दे दिए थे, आपका रेड दे दिए थे, ग्रीन दे दिए थे, येलो दे दिए थे, और इसके साथ क्या किए थे, उसने एक कलर और ऐड कर दिया, ब्लू। ठीक है, तो ये चार कलर उन्होंने दिया और बटन क्या किया, चेंज कर दिया। बटन क्या किया, चेंज कर दिया, 2, 4, 8 और 0 कर दिया। ठीक है, जो आपका फंक्शन की जो होता है उसके पास वाला डिजिट, राइट साइड में जो होता है वो नहीं, फंक्शन की के पास जो आपका अपर पोर्शन में होता है कीबोर्ड का, वहाँ पे जो 2840 जो बटन है आपका, उस पर वो लोग ये प्रोग्रामिंग को सेट कर दिए, और बटन पे कलर आपका चिपका देता है, एक स्टिकर होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का। तो जैसे 2 पे रेड कलर का स्टिकर, 4 पे येलो कलर का स्टिकर, 8 पे ग्रीन कलर का स्टिकर, इस तरह से वो चिपका देंगे, और एल बटन के जगह बी बटन से आपका फिगर चेंज। इसी रीजन से मैंने आपको दोनों दे दिया, टाइप 1 में आपका चारों कलर वाला मैंने दे दिया, और टाइप 2 में आपका तीन कलर वाला मैंने आपको दे दिया। अब इसका प्रैक्टिस आपको करना है ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिंपल सी बात है, आप लोग टेस्ट सीरीज से या अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हो, तो मैं हर एक पॉसिबिलिटी पे फोकस करता हूँ, जो वो लोग कर सकते हैं, हर एक तरह का पैटर्न, हर एक तरह का आपका टाइप, मैं सब कुछ करवा देता हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में कुछ भी चेंज करे तो वहाँ पे वो हैंडल कर ले, है ना, ये नहीं कि उसे समझ में ही नहीं आए। तो मेरा मेन मकसद यही होता है, इसीलिए आप देखना आपको अलग अलग टाइप का सब कुछ मिलेगा। ये सेम चीज़ है आपका, ये हिंदी में लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं बोलता हिंदी में ही हूँ तो सबको सब कुछ समझ में आ जाता है। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपने सीधे हाथ की उंगली, है ना, अपने सीधे हाथ, अब देखो कुछ लेफ्ट हैंडी होते हैं, कुछ राइट हैंडी होते हैं, आपको क्या करना है, आपका दोनों हाथ में जो हाथ और उस हाथ का जो फिंगर ज़्यादा एक्टिव है उसका यूज करना है। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट में, आपको ओनली सिंगल हैंड एंड सिंगल फिंगर, ठीक है, यही आपको यूज करना है। तो इसको भी आप लोग लिख लेना, कुछ लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एक हाथ से L और एक हाथ से RYG करते हैं ऐसे करके, तो ये आपको नहीं करना है, है ना, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा वो भी इसी वीडियो में, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। क्लियर? यहाँ पे आप देखो R फॉर रेड आपका किया हुआ, Y फॉर आपका येलो किया हुआ, और G फॉर आपका ग्रीन किया हुआ, और L बटन पे आपका ये है, इसको न्यूट्रल बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये थ्री टाइप वाला है। क्या है? थ्री टाइप वाला। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलो अब देखो इसमें ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आप बस इस बटन को होल्ड करके रखोगे, ठीक है, और माइंड में जो कलर आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आप माइंड में सेम चीज़ बोलना, माइंड में, जैसे रेड दिखा तो माइंड में रेड,
तो जब आप फिंगर रिलीज करके जाओगे ना प्रेस करने, और बाय मिस्टेक आपका फिंगर येलो की तरफ या ग्रीन की तरफ जा रहा होगा, तो आपका माइंड बोलेगा नहीं रेड। क्यों? क्योंकि आपने माइंड में रेड बोला है ना। जैसे ही आपको स्क्रीन पे येलो दिखा, तो मन में येलो, तो आप येलो ही प्रेस करोगे। लेकिन बाय मिस्टेक जल्दी में अगर आप रेड प्रेस करने जा रहे थे, तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि येलो। तो इसमें क्या होगा, आप रॉन्ग नहीं करोगे, गलत आपका नहीं हुआ, थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड ज़्यादा या मिली सेकेंड में, लेकिन आप रॉन्ग नहीं करोगे। तो मैंने क्या आपको बताया, आपको सबसे पहले रॉन्ग से बचना है। एनी हाउ यू डोंट हैव टू प्रेस रॉन्ग बटन, उसी समय आप बाहर हो जाओगे। वहाँ पे आपको डेमो करवाएगा, इसको भी याद रखना, वहाँ पे क्या होगा, आपको डेमो करवाएगा और आपके बगल में एक इन्विजिलेटर होगा जो आप पे निगरानी रखेगा। सब कुछ तो सॉफ्टवेयर से ही होगा, लैपटॉप पे या पीसी पे, लेकिन वो आपको देखेगा। क्या देखेगा? कि आप सिंगल हैंड सिंगल फिंगर यूज कर रहे हो या आप दो फिंगर का यूज कर रहे हो, उसी समय वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इतना बात आपको समझ में आया। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? लगभग मैंने सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। अब मेन होता है प्रैक्टिस, क्योंकि मशीन टेस्ट भी किसी के पास नहीं है। मुश्किल से एक दो प्लेटफॉर्म हैं, तो वो लोग मशीन टेस्ट जस्ट सेल करते हैं, है ना। आपको एक टीचर के पास में रह के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे अब आपको मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट हो, जिसने अनलिमिटेड एजुकेशन का मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट का कोर्स लिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे मशीन टेस्ट दिख जाएगा। आपको यहाँ पे मैंने मशीन टेस्ट का टैब बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा मशीन टेस्ट, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो आप लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना, मैं बार बार यही समझाता हूँ, लैपटॉप खोलो और हमेशा लैपटॉप लैपटॉप से ही करना है। मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस तो 100% लैपटॉप से करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे तो आपका वेबसाइट ओपन होगा, आप वेबसाइट ओपन कर लेना। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो रजिस्टर पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स वगैरह फिलअप करके क्रिएट अकाउंट कर लेना। इसका मतलब आपने इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया है, साइन अप कर लिया है। अब उसी मेल आईडी और जो पासवर्ड आप देते हो, जो भी पासवर्ड आप देते हो, उसी मेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से आपको लॉगिन करना है। एक बार आप सेव कर लेना डिटेल्स, तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट में जब जाते हो, तो यहाँ पे आपको मशीन टेस्ट नहीं दिखेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मशीन टेस्ट नहीं दिखेगा, ये लॉगिन से पहले का पेज है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको मशीन टेस्ट भी दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। मैं अपने डिटेल्स से लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में चार तरह का टेस्ट होता है, स्टेशन मास्टर, ALP, मेट्रो एग्जाम और DFCCIL। तो मेट्रो एग्जाम वाले में जाओगे तो यहाँ पे आपको मशीन टेस्ट दिखेगा। इससे पहले जो मैं आपको मशीन टेस्ट दे रहा था, वो PDF में लिंक के थ्रू दे रहा था। ये मैं आपको फास्ट फिंगर मूवमेंट करवा रहा था कि आप मूवमेंट करना सीखो, कि आप कितना फास्ट फिंगर मूव कर सकते हो। क्योंकि एक बार फास्ट फिंगर मूव करना आपने शुरू कर दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो मशीन टेस्ट में, जितना मन होगा उतना स्कोर, ठीक है। ऐसे करके मैंने ये आपको प्रैक्टिस करवाया था। तो ये हो गया आपका। लेकिन अब आपको ये मशीन टेस्ट नहीं करना है। अब आपको कौन सा मशीन टेस्ट करना है, जो आपके एग्जाम में रियल में आएगा। और रियल में कौन सा आएगा, ये मैंने आपको दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना। इसके बाद आप अच्छे से देखो, यहाँ पे टाइप 1 में लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, कि B से आपका यहाँ पे कलर चेंज होगा या होल्ड करके रखना है, और 2 से आपका रेड कलर, 4 बटन से आपका येलो, 8 से आपका ग्रीन और 0 से आपका ब्लू। मतलब रेड येलो ग्रीन ब्लू, 2 4 8 0, ये आपको समझ में आया। ये है आपका टाइप 1 और ये है आपका टाइप 2। टाइप 2 में कैसे है, आप ये देखो। टाइप 2 में आपका L से आपका फिगर चेंज होगा, आपको होल्ड करके रखना है, और R से रेड, Y से येलो और G से आपका ग्रीन। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर आपको मैं अपना फिंगर मूवमेंट करके दिखाऊंगा अपने कीबोर्ड का, कि मेरा फिंगर कैसे काम करता है। और सेम वे में आपको भी घर पे प्रैक्टिस करना है। और एक लाइन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो भी बताऊंगा, कि जो लोग
60 सेकेंड में पूरा का पूरा बना लेते हो, तो आप कोशिश करो 50 सेकेंड में बनाने का। अगर आपका 50 सेकेंड में हो जाता है तो आप कोशिश करो 40 सेकेंड में बनाने का। अगर आपका 40 सेकेंड में होता है तो कोशिश करो 35 सेकेंड में बनाने का। जितना पहले आप करोगे आपका रिएक्शन टाइम उतना अच्छा होगा और आप उतना आसानी से क्वालिफाई करोगे। क्लियर? अब पहले मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखाना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा फिंगर कैसे मूव करता है। तो यहाँ पे देखो, एल से मैंने होल्ड किया हुआ है। जैसे ही मैं एल बटन को प्रेस करके होल्ड किया हूं तो मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब आया येलो, तो माइंड में वाई बोलूंगा, ठीक है, येलो बोलूंगा माइंड में, तो येलो, ठीक है। मैं जब वापस एल पे गया तो होल्ड करके रखा हूं, जैसे ही मुझे कलर दिखेगा मैं फिर से रेड और फिर से वापस एल पे होल्ड, ठीक है, रेड होल्ड, येलो होल्ड, रेड होल्ड, रेड होल्ड, होल्ड बोल रहा हूँ मतलब एल प्रेस किया हुआ हूँ, येलो होल्ड, ग्रीन होल्ड, येलो होल्ड, रेड होल्ड, एल प्रेस करके होल्ड, ठीक है, येलो एल प्रेस करके होल्ड, 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 ठीक है, ग्रीन एल प्रेस करके होल्ड, येलो एल प्रेस करके होल्ड, येलो एल प्रेस करके होल्ड। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने पूरा नहीं बनाया, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने पूरा नहीं बनाया, तो ये फेल। क्यों फेल? 25 मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे आप देखो मैंने कितना बनाया था, 16। और अगर आप अच्छे से देखो तो मेरा 16 का 16 सही था। तो आप बोलोगे सर एक्यूरेसी 100% है ना, है, लेकिन फिर भी मैं फेल किया। क्यों फेल किया? क्योंकि 60 सेकेंड में कम से कम आपको 25 बनाना है सही। रिएक्शन टाइम टेस्ट का नाम ही है, आपका रिएक्शन टाइम जितना अच्छा होगा, जितना कम होगा, जितना फास्ट होगा, आप उतना आसानी से पास करोगे। तो यहाँ पे मैंने 16 बनाया, मेरा रिएक्शन टाइम खराब है, मैं फेल कर गया। तो आप अगर पूरा बनाओगे आप पास करोगे, 60 सेकंड में बनाओगे पास करोगे, 55 सेकंड में बनाओगे पास करोगे, 50 सेकंड में बनाओगे पास करोगे, और जितना कम समय में करोगे उतना अच्छा आपका रिएक्शन टाइम होगा, ठीक है। अब ये क्या है, मैं ये दिखा देता हूँ, ये है आपका कि कौन सा कलर आपको दिखा था स्क्रीन पे, है ना, आपने कौन सा इनपुट दिया है ना, तो ये आपका सही है, ठीक है। ये डिफ्यूजन टाइम है, मतलब मैंने 10 सेकेंड लेट से ही स्टार्ट किया था ये टेस्ट। जैसे ही स्क्रीन पे आए एल बटन प्रेस करके स्टार्ट कर देना। और ये कम बैक टाइम है, मतलब प्रेस करने के बाद वापस जो मैं आता हूँ एल बटन प्रेस करके होल्ड करने के लिए, तो ये कम बैक टाइम हुआ। एल से जब मैंने कलर पे गया तो ये हुआ मेरा डिफ्यूजन टाइम, मतलब उस कलर को मैंने प्रेस करके डिफ्यूज कर दिया। और जैसे ही वहां से वापस एल पे आया तो ये हुआ मेरा कम बैक टाइम। तो ये जो डिफ्यूजन टाइम है, मतलब कितना जल्दी आप गए, कलर देखे और गए, यही है आपका रिएक्शन टाइम, ठीक है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, जाना है आना है, जाना है आना है, जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं इसी को दिखाता हूँ कि ये पास कैसे होगा, है ना, ये अनअटेम्प्टेड है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इस टेस्ट को पास करके, ठीक है। ऐसे किया मैं, येल्लो एल, येल्लो एल, येल्लो एल, रेड एल, रेड एल, रेड एल, जी एल, वाई रॉन्ग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रॉन्ग बटन प्रेस किया, तो अटेम्प्ट तो मेरा हुआ होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले आपको सब कुछ समझना है, एक एक चीज यहाँ पे। एक बार मैंने रॉन्ग बटन प्रेस किया तो देखो क्या हुआ, देखो मैंने पूरा बनाया, यहाँ पे देखो मैंने पूरा बनाया और मेरा एक रॉन्ग है, यहाँ पे देखो 8 नंबर पे मेरा एक रॉन्ग हुआ। तो मैंने आपको क्या समझाया कि सिंगल रॉन्ग जैसे ही हुआ आप फेल,
मुझे वाई प्रेस करना था, वाई के बगल में यू था, मैंने वो प्रेस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो एक बार पास करके देखते हैं। देखो 10-12 सेकंड पहले मैंने इस टेस्ट को कंप्लीट किया, यहाँ पे मेरा पास दिखाया और यहाँ पे सारा का सारा आपका राइट है। ठीक है, तो ये मैंने 50 सेकंड में किया, अब आप कोशिश करो 45 सेकंड में करने का। ठीक है, तो ये था आपका मशीन टेस्ट। एक चीज़ और, यहाँ पे इसी में आपको टाइप 1 भी मैंने दिया हुआ है ना, टाइप 1। इसमें क्या होगा, एल के जगह पे बी बटन, सेम प्रोसेस है, बस उसमें 3 कलर था, इसमें आपका 4 कलर है। उसमें एल से हम लोग प्रेस और होल्ड करते थे, इसमें हम लोग बी से करेंगे। तो इसको मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे इसको सीक्वेंस में याद रखना। वैसे वहाँ पे कलर आपका शो होगा, वहाँ पे आपको कलर स्टिकर चिपकाया हुआ होगा, 2, 4, 8, 0, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, 2, 4, 8, 0, लाल, पीला, हरा, नीला। ये इंग्लिश में ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, 2, 4, 8, 0। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बी से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, मैंने क्या था, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, ऐसे करके। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, सिक्वेंस याद रहेगा तो आप गलती नहीं करोगे। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे बी के जगह मैंने जस्ट उसके बगल में भी बटन है वो प्रेस कर दिया। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या दिखाता है, वापस से बी करते हैं। ठीक है, देखो मेरा स्टेटस फेल। अब यहाँ पे देखो मैंने कितना रंग किया है, यहाँ पे 18 नंबर फिगर में मुझे 8 प्रेस करना था, और 8 के बगल में 9 मैंने प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं प्रेस किया, मेरा वो रंग हो गया वहीं पे। तो ये चीज़ दिखने में सिंपल लगता है, सिंपल है नहीं, मतलब उसके बगल वाला बटन जैसे ही प्रेस होता है ना, तब बाहर हो जाते हो। चलो एक बार पास करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे पास कर गया। ठीक है, तो ये मैं आराम से कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा ये और फास्ट करना है, कोशिश करना है 10 सेकंड 15 सेकंड पहले करने का। मतलब जितना जल्दी आप फिंगर मूवमेंट करोगे एक्यूरेसी के साथ, आप उतना आसानी से वहाँ पे मशीन टेस्ट पास करोगे। अब मैं आपको कीबोर्ड पे एक बार एक टेस्ट दिखाता हूँ कि मेरा फिंगर काम कैसे करता है ना, उससे आप समझ जाओगे, और उसके बाद जो है आप अपना प्रैक्टिस करते रहना। मैंने
जो टाइप का प्रैक्टिस आपको करना है उस टाइप को सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे टाइप 2 कर रहा हूँ, स्टार्ट नाउ करूँगा, एल बटन प्रेस करके होल्ड करूँगा, मेरा टेस्ट स्टार्ट। आर, ध्यान से देखना, वाई जी एल, मैं होल्ड करके रखता हूँ, जी वाई आर वाई 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 आर वाई जी जी वाई आर वाई जी वाई जी वाई वाई जी आर। देखो मैं यहाँ पे पास कर गया है ना, यहाँ पे देखो, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, तो फिंगर मूवमेंट जो आप का हाथ है जो फास्ट चलता है आपका, उसका जो फिंगर है जो फास्ट चलता है उसको आपको रखना है और मूवमेंट करना है, और इसी का प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये चीज़ आपका बी से है, यहाँ से देखो बी। अब मैंने क्या बोला, रेड येलो ग्रीन ब्लू, तो येलो है 2 4 8 0, याद रखना। ऐसे ध्यान से देखो है ना, तो ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो इसमें जो लेफ्ट राइट अगर कोई बटन प्रेस होता है ना, तो इसी वजह से बच्चे फेल कर जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में देना है, सीक्वेंस याद रखना तो गलती नहीं होगा। रेड येलो ग्रीन ब्लू है ना, सीक्वेंस याद रखना, रेड येलो ग्रीन ग्रीन है ना, ब्लू रेड ग्रीन येलो रेड येलो येलो ब्लू फेल। ठीक है, क्यों फेल? क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, और जितना मैंने बताया सारा सही था। तो इसी का आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूँ मशीन टेस्ट से रिलेटेड किसी को कोई इशू नहीं होगा। जिसको अपना रिएक्शन टाइम फास्ट करना है वो कोशिश करो 5 सेकंड 10 सेकंड पहले कंप्लीट करने का, बस अपने आप आपका डिफ्यूजन टाइम का जो एवरेज होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप सभी को मशीन टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपना स्ट्रांग करो, आसानी से आप मशीन टेस्ट फाइनल एग्जाम में क्वालिफाई कर लोगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।